नेक्स्ट है अब हमारे पास रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ जो बाइनरी ऑपरेशंस के लिहाज से है वो दो तरह की हैं, एक एडिशनल ऑपरेशन के लिहाज से और दूसरी हैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। प्रॉपर्टी सेम है लेकिन ऑपरेशन चेंज होने के लिहाज से उनकी थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क आता चला जाएगा। सबसे पहले है जी क्लोयर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें क्या होता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपने ध्यान से करनी है कि क्लोयर का मतलब होता है कि जब भी आपके पास कोई से दो रियल नंबर्स हैं उनको ऑपरेट करने के बाद, प्लस करने के बाद या मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमेशा क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। तो अगर एडिशन की बात कर रहे हैं तो दो रियल नंबर्स को प्लस करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए। ठीक है जी, इस प्रॉपर्टी को हम इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज भी डिस्कस करते हैं, लेकिन फिल वक्त जहन में रख लें कि अगर कोई एक गिवन सेट है उस गिवन सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आपस में और इटसेल्फ ऑपरेट करने के बाद जो भी आंसर आए वो उस सेट में बिलोंग करता होगा तो फिर हम कह सकते हैं कि ये सेट क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू गिवन ऑपरेशन होल्ड करता है। इसी तरह सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव लॉ में बेटा क्या होता है कि यू हैव थ्री रियल नंबर्स, ठीक है जी, तीन रियल नंबर्स होते हैं, अगर पहले और दूसरे रियल नंबर को प्लस करके तीसरे रियल नंबर में प्लस कर दें तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज कम्पेयर टू कि अगर हम दूसरी साइड पर जाके आखिरी दो नंबर्स को ऐड करें और फिर प्लस कर दें फर्स्ट नंबर के साथ। समझ आ गई बात की, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का जब भी कॉन्सेप्ट आएगा तो इसका मतलब ये होगा यू हैव गिवन थ्री वैल्यूज, फर्स्ट और सेकेंड को ऑपरेट करें थर्ड के साथ, या हम दूसरी साइड पर इक्वेशन के हम ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट को ऑपरेट करें सेकेंड और थर्ड के साथ। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 = 5, 5 + 4 = 9 बन जाता है। ठीक है जी, इसी तरह हम दूसरी साइड पर इस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, 3 + 4 = 7 और 7 को 2 के साथ ऐड कर ले तो वो भी क्या बन जाता है, 9 बन जाता है। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होगा क्या कि आपने एलिमेंट्स की पोजीशन पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करना, चेंजिंग नहीं करनी, आपने ब्रैकेट्स की पोजीशन चेंज कर लेनी कि अगर इक्वेशन में लेफ्ट साइड पर फर्स्ट टू एलिमेंट्स पे ब्रैकेट है तो राइट साइड पर किधर आ जाएगी, लास्ट ऊपर। ठीक है जी, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट इसके बाद है आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से इस प्रॉपर्टी को हम जानते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी या आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका कॉन्सेप्ट आपने जहन में अच्छे तरीके से समझना है। आइडेंटिटी एलिमेंट बेसिकली मैथ्स के अंदर ऐसे एलिमेंट को बोला जाता है जिसको किसी दूसरे रियल नंबर के साथ ऑपरेट किया जाए उस रियल नंबर की वैल्यू पे किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट ना हो। तो बेटा मैथ में जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी दूसरे रियल नंबर में ऐड करेंगे तो उसकी आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी या आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव इनवर्स या इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। टू एलिमेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ देयर एडिशन गिव्स अस एडिटिव आइडेंटिटी। यानी दो नंबर्स को ऐड करने से अगर आंसर हमारे पास जीरो आ रहा है तो वो दोनों नंबर्स एक दूसरे का क्या होंगे, एडिटिव इनवर्स होंगे। जैसे टू का एडिटिव इनवर्स क्या होना चाहिए, टू को किसमें ऐड करेंगे आंसर जीरो आएगा, टू का एडिटिव इनवर्स बनता है -2 और -2 का एडिटिव इनवर्स +2 होगा। ठीक है जी, यानी पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव नंबर होता है और नेगेटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव नंबर होता है। जीरो मैथ्स की दुनिया में एक ऐसा नंबर है जो अपना एडिटिव इनवर्स इटसेल्फ खुद ही है, उसकी वजह 0 + 0 आंसर इज 0। ठीक है जी, अक्सर टेस्टों में मुख्तलिफ जगहों पर यह भी पूछा जाता है एडिटिव इनवर्स ऑफ जीरो इज, ठीक है जी, तो जीरो का एडिटिव इनवर्स जीरो ही होगा। फिर लास्ट में एडिटिव प्रॉपर्टीज में हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव का मतलब होता है मुतबादल, जगह तब्दील कर देना। यानी अगर फर्स्ट को सेकंड के साथ ऑपरेट करें और जो आंसर आता है वही आंसर आना चाहिए सेकंड को फर्स्ट के साथ ऑपरेट करने से। यानी a + b = b + a, आपके पास कोई से दो रियल नंबर्स हैं उनको फर्स्ट को सेकंड के साथ जो ऑपरेट करके आंसर आता है सेकंड को भी फर्स्ट के साथ ऑपरेट करके वही आंसर आना चाहिए। यानी 2 + 3 और 3 + 2 दोनों का आंसर क्या आ गया, 5 आ गया।
बेटा सेम इसी ऑर्डर पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हैं। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज जैसा कि आपको नजर आ रही हैं, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज में बेटा सबसे पहली चीज हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है कि कोई से दो रियल नंबर्स होंगे हमारे पास, उन दोनों रियल नंबर्स को जब आपस में ऑपरेट किया जाएगा तो आंसर क्या आना चाहिए, रियल नंबर ही आना चाहिए। अगर कोई सेट गिवन है, जैसे एक सेट की एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ 0.1, ठीक है जी, 0.1, इस सेट के एलिमेंट्स को जिस तरीके से मर्जी ऑपरेट करें, 0 × 0 आंसर इज 0, 1 × 1 आंसर इज 1, 1 × 0 आंसर इज 0, जितने भी आंसर आए वो गिवन सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो 0.1 दिस सेट होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब एसोसिएटिव की बात करते हैं, एसोसिएटिव में अगेन तीन एलिमेंट्स होंगे, उन तीनों एलिमेंट्स को आपस में किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, पहले फर्स्ट टू को ऑपरेट किया, फिर थर्ड के साथ ऑपरेट किया, इसी तरह दूसरी साइड पर लास्ट टू को पहले ऑपरेट कर लें और फिर फर्स्ट के साथ ऑपरेट कर लें तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे 2 3 6, 6 4 24, और दूसरी साइड पर 3 4 12 और 12 2 24 हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैथ्स में कोई ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई होने पर दूसरे वैल्यू की आइडेंटिटी को चेंज ना करता हो, वो सिर्फ एक नंबर है, दैट इज़ 1। 1 एक ऐसी वैल्यू है जो मल्टीप्लाई होने पर किसी दूसरी वैल्यू की आइडेंटिटी को छीनता नहीं है, जैसे 2 × 1 2, 3 × 1 3, 4 × 1 4 आ गया, ठीक होगी बात। तो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होंगे, दो वैल्यूज, टू रियल नंबर्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाते हैं, तब जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आता हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दैट इज 1। तो इसमें बेटा बेसिकली होता ये है कि जो भी आपके पास वैल्यू होगी उसको न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें, डिनोमिनेटर को न्यूमिरेटर में शिफ्ट कर दें, तो वो दोनों वैल्यूज एक दूसरे का क्या कहलाएंगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4/3 है, बिकॉज देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/3 इक्वल्स टू 1। ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए इनवर्स, और ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, सिंपल ए, ठीक है जी। जैसे 1/a है या a इनवर्स है, इन दोनों का इनवर्स क्या कंसिडर किया जा सकता है, सिंपल a कंसिडर किया जा सकता है। फिर लास्ट में हमारे पास आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें बेटा सिंपल वही बात कि दो रियल नंबर्स होने चाहिए, फर्स्ट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करें और सेकंड को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे 2 3 6, तो 3 2 भी कितना होना चाहिए, 6 ही होना चाहिए, और ऐसा ही होता है मैथ्स के अंदर, ठीक है जी। ये 10 प्रॉपर्टीज होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। लास्ट एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के नाम से, इसको याद रखा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी बाजू का इसको कहा जाता है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव गिवन 3 रियल नंबर्स ए बी एंड सी, कुछ भी हो सकते हैं, तो फर्स्ट नंबर जो है वो अंदर ब्रैकेट में प्लस होने वाले दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई जब होता है तो उसको क्या किया जाता है, इंडिविजुअली 1/1 दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी a इंटू बी प्लस सी शुड बी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। क्लियर होगी ये बात। ये हमारे पास 11 प्रॉपर्टीज आ गई। मैथ्स के अंदर कोई भी एक ऐसा सेट जो इन 11 प्रॉपर्टीज को होल्ड करता होगा उसे हम कहते हैं फील्ड। ये बात आपने एज अ नोट याद रखनी है, कोई भी ऐसा सेट जो इन 11 प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, सेटिस्फाई करता है, उसे हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। क्लियर होगी ये चीज़, ठीक है जी। तो रियल नंबर्स का एक ऐसा सेट है जो इन सारी की सारी 11 प्रॉपर्टीज को होल्ड कर जाता है, उसे हम किस नाम से याद रख सकते हैं, फील्ड के नाम से भी याद रख सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट रियल नंबर में इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज या इक्वेशन की प्रॉपर्टीज। पहली है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव बेसिकली क्या है, रिफ्लेक्शन से ही है कि अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं तो आपको अपने जैसी चीज़ ही दिखाई देगी। इसका मतलब एक मैथ का जो नंबर है वो इटसेल्फ अपने इक्वल लाजमी होगा, यानी ए इक्वल्स टू ए, ठीक है जी, दैट इज मेन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है, एक के जैसे दूसरी चीज़ होना, मसलन कि कोई दो रियल नंबर्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाए। मसलन कहने का मतलब ये है कि ए इक्वल्स टू बी, देन अंडरस्टूड बी इक्वल्स टू ए, ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। तीसरी इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव में हमारे पास तीन एलिमेंट्स होंगे और आपको कह दिया जाता है कि फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट के इक्वल है, यानी ए इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू सी,
तो ये दोनों रिलेशनशिप हमें ये बताएंगे कि ए शुड बी इक्वल्स टू सी, कि अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड के और सेकंड पर्सन थर्ड के इक्वल है तो फर्स्ट और थर्ड पर्सन भी आपस में इक्वल हो सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज, कि अगर हमारे पास तीन रियल नंबर्स हैं और दो रियल नंबर्स के दरमियान इक्वलिटी है, इफ़ ए इक्वल्स टू बी, तो दोनों रियल नंबर्स में आपने एक कॉन्स्टेंट वैल्यू ऐड कर दी C, तो A प्लस सी शुड बी इक्वल्स टू B प्लस सी। ठीक है जी, कि जब भी किसी एक इक्वेशन में हम एक कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करेंगे तो इक्वेशन पे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई से दो रियल नंबर्स इक्वल हैं तो उनके साथ किसी थर्ड रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन पे या इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, A इक्वल्स टू B, देन अंडरस्टूड दैट इज A C शुड बी इक्वल्स टू B C। ठीक है जी, इन दोनों प्रॉपर्टीज एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के बिहाफ पे दो प्रॉपर्टीज हमारे पास और हैं, उनको हम कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी। कैंसलेशन प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है उसमें बोथ साइड एक कांस्टेंट ऐड हो रहा है, ए इफ ए प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस सी, तो ये जो सी दोनों साइड पर ऐड हो रहा है इसको हम कैंसिल करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट अमाउंट क्या आ जाएगी, ए इक्वल्स टू बी। यानी जिस तरह पिछली प्रॉपर्टी में जो गिवन स्टेटमेंट थी वो अब यहाँ पे आंसर की फॉर्म में आ गई है और जो वहाँ पे आंसर था वो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट है। मल्टीप्लिकेशन की कैंसलेशन प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए सी इक्वल्स टू बी सी होगा तो सी बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा तो इक्वेशन क्या बच जाएगी, ए इक्वल्स टू बी। अच्छा जी, नेक्स्ट है ऑर्डर प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली है वो है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में बेसिकली क्या होता है कि दो अगर हमारे पास रियल नंबर्स हैं तो उनके दरमियान तीन तरह के रिलेशनशिप हैं। नाम से याद रखना है, ट्राइकोटोमी में तीन तरह के रिलेशनशिप होंगे कि अगर हमारे पास एक वैल्यू ए है और दूसरी वैल्यू बी है तो क्या क्या रिलेशनशिप हो सकते हैं। ए इक्वल्स टू बी हो सकता है, ए इज लेस देन बी हो सकता है, एंड ए इज ग्रेटर देन बी हो सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जैसे इक्वालिटी में पड़ा है कि एक का रिलेशनशिप दूसरे के साथ और दूसरे का तीसरे के साथ, उस बिहाफ पे हम फर्स्ट और थर्ड को भी रिलेट करते हैं कि अगर फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से ग्रेटर है और सेकंड वैल्यू थर्ड से ग्रेटर है, यानी ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो अंडरस्टूड क्या है, ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन सी। सेम केस स्मॉलर देन के केस में कि ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, अंडरस्टूड इज ए इज लेस देन सी। ठीक होगी बात। फिर हमारे पास आ जाती है एडिशन की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि अगर हमारे पास कोई से दो रियल नंबर्स हैं और उनके दरमियान रिलेशनशिप लेस देन या ग्रेटर देन की सेंस में, ठीक है जी, तो थर्ड रियल नंबर जब उन पे ऐड करते हैं यानी ए इज लेस देन बी और उनमें सी एक नंबर ऐड कर दिया तो ए प्लस सी इज आल्सो ग्रेटर देन बी प्लस सी। इसी तरह अगर ए इज लेस देन बी है उसमें सी ऐड कर देंगे तो ए प्लस सी इज आल्सो लेस देन बी प्लस सी। जैसे हमारे पास एक वैल्यू है कि 3 इज ग्रेटर देन 1, इन दोनों में आप बोथ साइड 2 ऐड कर दें तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा और 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, जो कि रिजल्ट पहले वाला ही है, यानी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू ग्रेटर और राइट साइड वाली वैल्यू स्मॉलर है। इसी तरह अगर a इज ग्रेटर देन b हो और c इज ग्रेटर देन d हो तो ग्रेटर वैल्यूज को आपस में ऐड कर लें और स्मॉलर वैल्यूज को आपस में, तो ग्रेटर वैल्यूज का सम स्मॉलर वैल्यूज के सम से ग्रेटर आएगा, यानी a प्लस सी इज आल्सो ग्रेटर देन b प्लस d। ऑन द अदर हैंड इफ a इज लेस देन b एंड c इज लेस देन d तो स्मॉलर साइड्स का सम यानी a प्लस सी लेस देन होगा किससे, b प्लस d के साथ। लास्ट में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज है। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी नहायत अहमियत की हामिल है इनइक्वालिटीज के केस में। अब जो नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं, नॉन जीरो नंबर्स की बात कर रहा हूँ, उसमें दो तरह के नंबर हैं, एक पॉजिटिव नंबर हो सकता है और एक नेगेटिव नंबर हो सकता है। इसमें सिंपल इतना याद रख लें कि जब पॉजिटिव नंबर को आप इनइक्वालिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन में कन्वर्ट रहता है और लेस देन में ही रहता है। ठीक है जी, और अगर आप नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे ए इज ग्रेटर देन बी है और आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, सी के साथ, तो सी जो है वो हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू है, तो ए अगर ग्रेटर देन बी हो और आपने सी से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ए सी लेस देन हो जाएगा किससे, बी सी से। ए सी लेस देन हो जाएगा किससे जी, बी सी से। इतनी बात याद रहेगी। इसकी एग्जांपल हम कोट कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास रिलेशनशिप है 5 इज ग्रेटर देन 3, आपने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लिया किसके साथ,
माइनस वन के साथ, तो माइनस फाइव बन जाएगा और माइनस थ्री बन जाएगा। तो माइनस फाइव जो है वो माइनस थ्री से क्या कंसिडर किया जाता है, लेस कंसिडर किया जाता है। ठीक है जी, अब इन प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। जो अभी हमने प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर की डिस्कस की, इनइक्वालिटीज़ की और इक्वेशंस या इक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, उनके बारे में कुछ एमसीक्यूज़ जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला है, एक सेट है गिवन, वो पूछा गया कि क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू। जब भी इस तरह से कोई सेट गिवन दिया जाएगा, तो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि क्लोजर का मतलब होता है कि विद रिस्पेक्ट टू गिवन ऑपरेशन, जितने भी एलिमेंट्स को ऑपरेट करें आंसर विद इन द सेट आए। फिल वक्त हमने एडिशन के लिहाज से चेक किया, वन माइनस वन वन माइनस वन, वन प्लस वन टू, वन माइनस वन जीरो, माइनस वन ऑपरेट विद वन जीरो, माइनस वन माइनस वन माइनस टू। प्लस करने से कोई भी ऐसा आंसर नहीं आया जो इस सेट के अंदर बिलोंग करता हो, इसका मतलब एडिशन वाली ऑप्शन हो जाएगी कैंसिल। अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, इन्हीं सारी ऑप्शंस की जगह पे हम मल्टीप्लिकेशन को चेक करते हैं, तो फिर क्या पॉसिबिलिटीज हमें दिखाई देती हैं। और अली भी हम चेक कर सकते हैं, वैसे ही वन इंटू वन वन आ जाएगा, वन इंटू माइनस वन माइनस वन, माइनस वन इंटू वन माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन आ जाएगा। यानी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हर दफ़ा ऐसा आंसर आता है जो इस सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। इट मीन्स ये सेट जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है होल्ड करता है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगी प्रॉपर्टी। अब डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, ये अमूमन प्रॉपर्टीज इस तरह के छोटे सेट्स में होल्ड नहीं कर रही होती, तो उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो बहुत बड़े बड़े सेट्स हैं, जो हमारे जनरल सेट्स हैं, उनमें ये प्रॉपर्टीज़ किसी हद तक सेटिस्फाई होती हैं डिवीजन या सब्ट्रैक्शन के अतबार से। अदरवाइज आप इन दो प्रॉपर्टीज़ या इन दो ऑपरेशंस को चेक कर रहे होते हैं। ठीक है जी, अब है इसको थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट आता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड। जो नेचुरल नंबर का सेट है वो सिर्फ और सिर्फ एडिशन के लिहाज से क्लोज्ड है। क्लोज का मतलब हमेशा याद रखें कि जब भी दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करें तो विद इन द सेट आंसर आना चाहिए। जब नेचुरल नंबर्स को प्लस करेंगे, वन प्लस टू थ्री, टू प्लस थ्री फाइव, फाइव प्लस फोर नाइन, तो वो ऐसा आंसर आएगा जो सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है जी, इसी तरह जब हम नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, माइनस करके देखते हैं, तो उस दौरान भी आपके पास कुछ ऐसे नंबर्स बन जाते हैं, जैसे डिवीजन की तरफ जाते हैं वन ओवर टू करते हैं तो वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, माइनस करते हैं जैसे वन माइनस टू कर देते हैं तो वो चीज़ भी इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। या तो ये चीज़ एडिशन के लिहाज से ट्रू है या ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ट्रू है। अगर ये दोनों ऑप्शन होंगी तो इनके साथ हमारे पास ये भी ऑप्शन हो सकती है, बोथ ए एंड बी वाली ऑप्शन। ठीक है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पूछने वाले में। अब यहां पे है जी, डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन फॉर, ये जनरल सेट्स लिखे हुए हैं कि कौन सा ऐसा सेट है जिसमें डिवीजन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाती। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब भी यही है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करना। जिस सेट में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी वहां पे उस ऑपरेशन के अगेंस्ट हम उसको बाइनरी ऑपरेशन कह सकते हैं। ठीक है जी, अब जो नेचुरल नंबर का सेट है, इंटीजर्स है और रैशनल नंबर्स हैं और रियल नंबर्स हैं, अगर हम डिवीजन के लिहाज से बात करते हैं तो नेचुरल नंबर्स डिवीजन के केस में आपको हर दफ़ा ऐसा एलिमेंट देंगे जो उस सेट में एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे वन ओवर टू है, थ्री ओवर टू है, फोर ओवर फाइव है, हर दफ़ा कोई ना कोई ऐसी वैल्यू आएगी जो नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करती। तो यही उसने पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा सेट है जो डिवीजन के केस में बाइनरी ऑपरेशन को होल्ड नहीं होने देता। ठीक है जी, इसी तरह यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन की ऑप्शन लगा दी जाए, सब्ट्रैक्शन की ऑप्शन के केस में हमारे पास जब भी आंसर आएंगे सब्ट्रैक्शन के केस में, यानी अगर सब्ट्रैक्शन के लिहाज से देखते हैं तो फिर हमारे पास क्या वैल्यूज़ आती हैं, एक एलिमेंट में से दूसरे एलिमेंट को माइनस करके देखा जाए तो तब भी नेचुरल नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि इस क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं होने देगा। ठीक है जी, लास्ट वन यहाँ पे है, विच वन इज नॉट द बाइनरी ऑपरेशन इन रियल नंबर्स। वैसे तो रियल नंबर्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से सारी की सारी 11 प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर में एग्जिस्ट करती हैं, तो अंडरस्टूड है उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। बाइनरी ऑपरेशन का पूछे जाने का मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी पूछी जा रही है आपसे। ठीक है जी, तो इन दोनों ऑप्शंस को, प्लस और मल्टीप्लिकेशन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, अब रह गया माइनस और डिवीजन का। रियल नंबर में से रियल नंबर को माइनस करें तो आंसर रियल नंबर ही आता है, इसका मतलब ये तीन चीज़ें तो होल्ड कर रही हैं। अब डिवीजन पे जब जाते हैं ना, तो इसमें एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे जाके ये फेल हो जाता है, वरना हर दफ़ा रियल नंबर को रियल नंबर से डिवाइड करने से रियल नंबर ही आना है, वन ओवर टू, स्क्वेयर रूट, थ्री ओवर फाइव वगैरह वगैरह। लेकिन
जब एक रियल नंबर में डिवीजन इस तरह से होगी समथिंग ओवर जीरो, तो जीरो बन जाता है इन्फिनिटी, वो चीज़ इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, यानी जीरो के साथ डिवीजन अलाउ नहीं होती, जीरो डिनोमिनेटर में मैथ के केस में अलाउ नहीं होता। इस वजह से हम कहते हैं कि जो रियल नंबर का सेट है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोज्ड है, बाइनरी ऑपरेटर कहला सकता है, लेकिन डिवीजन के केस में जाके वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है जी, तो ये बड़ा एक क्रिटिकल पॉइंट है जो कि अक्सर पेपर में पूछा जाता है। फिर यहाँ पे ये दो मजीद ऑप्शंस मैंने आपसे डिस्कस की, यहाँ पे आंसर्स नहीं है, जस्ट बताना मकसद है कि प्रॉपर्टी को मजीद किस तरह से पूछा जा सकता है। इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी में पूछा गया है -2 <-1, देन 0 <1। ये चीज़ कब पॉसिबल है, -2 की जगह 0 बन गया, कैसे, जब -2 में +2 करेंगे, और इधर 1 बना हुआ है, वो भी कैसे होगा जब आप यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, +2 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ऑर्डिनरी या हम कह सकते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है जी, इनइक्वालिटीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं, ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है जी, कौन से ऑपरेशन के लिहाज से, एडिशन के लिहाज से। अब ये एक इनइक्वालिटी है, -3 > -5, इसमें हमने बोथ साइड माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया, -3 को -5 से मल्टीप्लाई किया +15 बन गया, -5 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो +25 बन गया। जैसा कि पहले डिस्कस किया जा चुका है कि जब इनइक्वालिटी को नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं या नेगेटिव वैल्यू से, तो ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो जाता है और लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है, यानी यहाँ पे ऑर्डर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पे है ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लास्ट में रियल नंबर का जो सेगमेंट है उसको क्लोज करते हुए एक गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस जाना जाता है, सुना भी होगा आप लोगों ने। वो क्या है कि जब भी हमारे पास एक फ्रैक्शन होती है तो उसमें एक कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से फ्रैक्शन पर किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अक्सर आप मैथ के क्वेश्चन में करते भी हैं कि जी एक गिवन नंबर या एक रिक्वायर्ड नंबर से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं तो आंसर पर या वैल्यू पर इम्पैक्ट नहीं होता। इस रूल को बेसिकली क्या कहते हैं, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन।